मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार द्वारा है शौर्य जागरण यात्रा कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे भेल हेलीपैड पर पहुंचेंगे सीएम धामी। हरिद्वार में सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज में कार्यक्रम है शौर्य जागरण यात्रा कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। शौर्य जागरण यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे भेल हेलीपैड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार में सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज में कार्यक्रम है। राजकुमार पाल हमारे सहयोगी हरिद्वार से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजकुमार, क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का? अभी बिल्कुल पूजा आपको बताना चाहेंगे कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। अब विश्व हिंदू परिषद के द्वारा के आह्वान पर जो है बजरंग दल के द्वारा शौर्य जागरण यात्रा निकाली जा रही है, जिसका समापन कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। वहीं आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है जो शौर्य जागरण यात्रा निकाल रहे हैं, उनका समापन यहाँ पर होना है। लगभग 2 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम धामी। और आपको बता दें कि इसके लेकर जो है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर लिया। वहीं आपको बता दें जो ये प्रोग्राम होना है सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज में ये प्रोग्राम होना है। हजारों की संख्या में यहाँ पर जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जुटने वाले हैं। निश्चित तौर पर इस दौरे को लेकर कार्यकर्ता भी खासे उत्साहित रहते हैं, लोगों को भी इंतजार रहता है कि प्रदेश के मुखिया कब पहुंचेंगे और क्या कुछ संदेश देते हैं अपने संबोधन के दौरान, ये भी देखना होगा। जी बिल्कुल पूजा, आपको बताना चाहेंगे कि पूरे भारत में जो है विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर जो है शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत हरिद्वार में आज शौर्य जागरण यात्रा का समापन है, जिसमें प्रदेश के मुखिया भी शामिल होने वाले हैं। अब खासा उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो कार्यकर्ता है बजरंग दल के हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं, अन्य हिंदू संगठनों से भी लोग जो जुड़े हुए हैं वो भी कार्यकर्ता इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले हैं और एक अलग ही नजारा यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। जी शुक्रिया आपका राजकुमार इस खबर पर जानकारी देने के लिए।